का उपस्थित कमरेडहरु हामी आज आठौं राष्ट्रीय महाधिवेशन को यो तेस्रो पूर्ण बैठक में उपस्थित छौं। म अहिले सुरुमा कुनै लामो भूमिका नबाँधिकन सिधै म एजेंडा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। एजेंडा यो केन्द्रीय समिति को बैठक का एजेंडा निम्न अनुसार छन्। एक नंबर में महान शहीदहरुप्रति श्रद्धांजलि, दुई नंबर में केन्द्रीय समिति का नया सदस्य को शपथ ग्रहण, तीन नंबर में बैठक संचालन प्रक्रिया बारे अध्यक्ष जानकारी, बैठक संचालन प्रक्रिया बारे अध्यक्ष जानकारी, चार नंबर में प्रदेश का तरफ बा संक्षिप्त रिपोर्टिंग प्रत्येक प्रदेश का अध्यक्ष मधेश प्रदेश को हक में त्यहाँ का इन्चार्ज कमरेड ने 10 मिनट भित्र प्रदेश को स्थिति बारे रिपोर्ट राख्हुने त्यसपछि पांच नंबर में अध्यक्ष वर्तमान परिस्थिति बारे रिपोर्ट त्यो प्रस्तुत होने, छ नंबर में संगठनात्मक विषय, छ नंबर में संगठनात्मक विषय, संगठनात्मक विषय को कमा पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमिटी र पदाधिकारी चयन बारे, ख मा कार्य विभाजन र संरचना बारे, सात नंबर में स्थानीय निर्वाचन को समीक्षा, सात नंबर में स्थानीय निर्वाचन को समीक्षा, आठ नंबर में आगामी प्रदेश र संघ को निर्वाचन को तैयारी बारे, नौ नंबर में विविध भनेर केन्द्रीय समिति को यो बैठक को लागि प्रस्ताव कार्यसूची प्रस्तुत गरिएको छ। यसमा कोही कमरेडलाई थप्नु पर्ने घटाउनु पर्ने केही लाग्छ भने कमरेडले राख्न सक्नुहुन्छ। एउटा कुरा के हुँदो रहेछ भने हामी केन्द्रीय समिति को बैठक सामान्यत हामी पार्टी को केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यालयको हलमा नै गर्ने गरेका थियौं या हामी सानो कोठामा गर्ने गर्थ्यौं। त्यति बेला केन्द्रीय समिति को बैठक को एक खालको अनुभूति र अनुभव हामीलाई हुने गरेको थियो। यहाँ यो प्रज्ञा भवन में केन्द्रीय समिति को बैठक संचालन गर्दै गर्दा यो केन्द्रीय समिति को बैठक भन्दा पनि यो भेला हो कि सम्मेलन हो कि महाधिवेशन हो कि भन्या जस्तो हुन जाँदो रहेछ। म सबै कमरेडहरुलाई फेरि एकचोटि सबैले के मानसिकता तयार गर्न अनुरोध गर्छु भने यो केन्द्रीय समिति को बैठक हो अनि केन्द्रीय समिति को बैठक संचालन को हाम्रो विधि प्रक्रिया जे चल्दै आएको छ त्यही अनुसार नै यो बैठक पनि चल्दछ। संचालन गर्दा हामीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने, ग्रुप विभाजन गर्ने र ग्रुप डिस्कसन को आधारमा